नमस्कार। स्काईवॉक निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन की चपेट में आने से एक डस्टर वाहन, बोलेरो पिकअप और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। नगर निगम एमआईसी सदस्य अजीत कुकरेजा ने बताया कि स्काईवॉक का काम रात में चलना चाहिए, जो कि दिन में चल रहा है। इस काम के चलते यहां पर जेल रोड कचहरी के सामने दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है और कोई ना कोई हादसा होते रहता है। इसी तरह आज जब जेसीबी मशीन से स्काईवॉक का काम चल रहा था, तभी डस्टर वाहन क्रमांक CG04KA4446 को साइड से खरोच लगी। वहीं एक बुलेरो पिकअप क्रमांक CG07AZ6418 के डाला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा जेसीबी मशीन से ही एक मोटरसाइकिल चालक को भी चोट आई। काम चलने के दौरान मौके पर PWD के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब तक PWD अधिकारी के खिलाफ FIR नहीं होगी, तब तक काम शुरू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की जनता नहीं चाहती कि यहाँ स्काई वॉक बने। जब से रायपुर शहर में स्काई वॉक का काम चालू हुआ है, आम जनता की परेशानी सिर्फ बड़ी है। लगातार हादसे हो रहे हैं। एक बार इनके ऊपर का जो इन लोगों ने लगाया है वो गिर गया था। किस्मत अच्छी थी कि नीचे कोई व्यक्ति नहीं था तो बच गया था। आज ये JCB दिन के समय, जब इनको आदेश है कि आपको रात के समय काम करना है, ये दिन के समय काम कर रहा है। न ठेकेदार यहाँ पर है, न सुपरवाइजर है, न PWD का कोई अधिकारी यहाँ पर है। इतना बड़ा हादसा हुआ कि 3 गाड़ियों को इसने ठोका, 2 गाड़ी आगे खड़ी है, 1 गाड़ी अभी भी फंसी हुई है। 2 व्यक्ति को मेकाहारा में हम लोगों ने एडमिट करवाया है। ये क्या है? ये सिर्फ भ्रष्टाचार है। दिन को आनंद फानंद में काम करवा रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इनको कंप्लीट करके दिखाना है। इस चक्कर में आम जनता को जो तकलीफ हो रही है, उससे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है, मंत्री जी को कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, ये गाड़ी को भी नहीं जाने देंगे, ना यहाँ कोई और किसी को यहाँ से मूव होने देंगे, जब तक PWD का अधिकारी आता है और अपनी जवाबदारी तय नहीं करता है, नहीं तो हम PWD के संबंधित अधिकारी के खिलाफ FIR करवाएंगे और पूरी हम कोशिश करेंगे कि ये काम स्काईवॉक का बंद हो। रायपुर की जनता नहीं चाहती है स्काईवॉक बने, स्काईवॉक का काम बंद होना चाहिए। For more information, log on to www.clips.in.